वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है कमलजीत पाजी को लेकर। तो आप लोगों को भी पता ही है कल जो ऋषि भाई उन्होंने कुछ ट्वीट्स वगैरह करे थे जिसमें उन्होंने बात करी थी पोचिंग की एंड इससे काफी लोगों को लग रहा था कि वो गॉड लाइक की बात कर रहे हैं। तो इस पर जो कमलजीत पाजी है उन्होंने एक स्टोरी लगाई एंड रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा था टू ऑल द गॉड लाइक फैंस आई फील वी डेफिनेटली शुड शेयर दिस मैसेज विद यू गाइज वी डू हैव आवर वैलोरेंट लाइनअप signed 20 gen is when this group was created all the player we have signed have been given green signal from their previous orgs and iske baad unhone likha tha there are no player from g or any rumors being circulated in the market and iske baad unhone next story mein likha tha if any of the parties still have doubt or misunderstanding please feel free to call concerned people do have my number I would love to maintain respect and dignity amongst each other and wo aap log apni screen pe dekh sakte hain and iske baad jo sir bhai unse kafi log ye pooch rahe the ki jo SATUL ka new state lineup hai isko किसने स्काउट किया था तो इस पे उन्होंने क्या रिप्लाई करा वो आप लोग देख सकते हैं। ये वाला लाइनअप किसने स्काउट किया था? यू आर थग द लाइनअप अप्रोच्ड अस थग साइंड देम सो आई हैव नो लाइक आई डोंट टेक एनी क्रेडिट दिस लाइनअप विंस टुमारो डे आफ्टर टुमारो आई एम नॉट आई टेक लाइक 0% क्रेडिट। पूछा गया था हेक्टर से कि उन्होंने क्यों ड्रॉप क्लैश किया था SATUL के साथ तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा एंड उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। जो पहला ही इन्होंने अटैक किया एंड पहला ही वहां पे ऑफ कोर्स जो बैटल आपने लिया दैट वाज अगेंस्ट टीम SATUL एंड वहां पे आपने ऑफ कोर्स उनको धराशायी कर दिया सो अगेन उससे मोटिवेशन तो मिला ही होगा बूस्ट तो मिला ही होगा जिस तरीके से आपने फिर अपग्रेड किया आपने आपको रोटेट किया बट देन यू फेल बैक व्हाई आपने और फाइट्स क्यों लेने की कोशिश करी? एक्चुअली हमारा ऐसा था कि कोई ऊपर की टीम को जब हम टारगेट करेंगे हम मारेंगे तो वो लाइटली खेलती है वो इतना सीरियस क्योंकि वो क्वालिफाइड है तो हमने सोचा चलो जो टॉप पे टीम है उनको जाके फाइट लेंगे उनके अगेंस्ट मारेंगे। जब मार दिए ना तो उसके बाद ऐसा लगा कि यार एक चांस आ गया क्योंकि अर्ली रोटेशन होगी सबकी सब सेंटर के लिए होल्ड करके सब क्वालिफाई एंड टोटल 6 टीम थे हमारे कॉम्पिटिशन में तो हमने बोले हील बैटल इज अ ऑप्शन जहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बिकॉज स्ट्रैटेजी एंड गन गेम कहीं नहीं है क्योंकि बाकी टीम्स अगर हील बैटल कर रही है ये पॉइंट टेबल में भी तो हमें भी करना ही पड़ा लास्ट में आगे वरना हम नहीं करते। एंड इसके बाद जो डायनामो में उन्होंने बात करी थी एक बड़े सरप्राइज के बारे में वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं एंड आप लोगों को क्या लगता है उन्होंने किससे रिलेटेड बात करी थी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नागपुर कब आओगे? मोस्ट प्रोबेबली मैं नागपुर आऊंगा फेब में मतलब नेक्स्ट मंथ में आने वाला हूँ नागपुर गोंदिया एक बहुत ही जबरदस्त काम करना है। आपको याद है मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हम एक बहुत ही जबरदस्त चीज करने जा रहे हैं उसका मैं अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करूंगा जो मैंने किसी को भी नहीं बताया था तो वो चीज हम करने जा रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली वो मुझे लगता है कि वो फेब तक हो जानी चाहिए। ओके तो फेब में शायद से मैं आपको नागपुर में मिलूंगा नागपुर गोंदिया तो मैं चाहता हूँ जब मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि इस तारीख को मैं इतने इतने तारीख को मैं यहाँ होने वाला हूँ और हम वो चीज करने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आओ जितने भी लोग नागपुर में रहते हैं वो नागपुर के आसपास जितने भी लोग रहते हैं भंडारा तुमसर तिरोड़ा गोंदिया आमगांव अमरावती अमरावती थोड़ा दूर हो गया बट शायद अगर आ सकते हो तो आ जाओ वर्धा के जितने भी लोग हैं एंड बालाघाट हो गया यू नो जितने भी लोग जानते हैं शायद मेरे को अगर वहाँ पे अगर जानते होंगे तो राइट तो आ जाना उस टाइम पे अपन ऐसा पूरा माहौल मचा देंगे पब्लिक में पूरा। एंड इसके बाद आप लोगों को भी पता ही है जो न्यू है उन्होंने बात करी थी कुछ टाइम पहले वॉचिंग के बारे में हालांकि उन्होंने किसी का भी इसमें नाम मेंशन नहीं किया था बट काफी लोग जो स्काउट भाई हैं उनकी चैट में बोल रहे थे कि उन्होंने बात करी है मवी की एंड मवी की फेक वॉचिंग पे उन्होंने बोला है तो इस चीज के ऊपर जो स्काउट भाई उन्होंने क्या रिप्लाई करा वो आप लोग देख सकते हैं। मावी लोगों पे फेक वॉचिंग कौन बोल दिया भाई मेरी भी फेक वॉचिंग थी 360 के भाई मैंने भी गाइस फेक वॉचिंग थी मेरी 360 के मेरी फेक वॉचिंग आती है मैं जब रिलेटेबल कंटेंट डालता हूँ जब बीजे में खेलते तो फेक वॉचिंग आती है मेरे डाउनफॉल पे मैंने 45,000 की फेक वॉचिंग लाई थी रात के 2 बजे होगी वो भी बिना कॉम्पी खेल के वो भी रैंडम घर बकचोदी करके वो भी कॉन्कर लॉबी खेल के बताओ वो भी फेक वॉचिंग थी ऐसा नहीं होता है भाई फेक वॉचिंग दिखता है। चेंजेस करूंगा जब हमें यहां पर फिनिशेस मतलब आपने ये जो पार्टी स्टार्ट करी है फ्लैग नियो बोला भाई नियो का दिमाग खराब हो गया नहीं पता क्यों बोल रहा है सब कुछ भी चीजें बोल रहे हो आई डोंट नो वो उसको उसको ऐसे ये कौन बोला ये उसको ये क्या चीज कैसे वो अजम्पशन कर रही है भाई मेरे को मैं 4 साल से भाई मैं नियो से पहले से यूट्यूब कर रहा हूँ मुझे पता है ना चीजें इंडस्ट्री में पहले से हो भाई अब उसने क्यों बोला है नो ग्लू यार देखो मैं नियो कुछ गलत नहीं बोल रहा मैं बस बोल रहा हूँ जो उसने बोला है वो चीज़ उसको नहीं बोलनी चाहिए अगर आपको एग्जैक्टली स्टैटिक्स नहीं पता है
आपको डिटेल्स नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि देखो अब यार देखो पहले हम लोग बहुत लड़ते थे, मैं गॉडल हम लोग सब बहुत भसड़ किए हुए हैं, अभी चीज़ें हट चुके हैं, जिसको जो बोलना अपना कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है कि जो नैनो स्टेटमेंट बोली कि अगर आप लोग जो बोल रहे हो कि उन्होंने जो बोला कि वॉचिंग फेक है दैट्स रॉन्ग, क्यों बोलना है किसको कुछ, सिंपल सी बात है ना, ऐसे तो मैं क्या बोलूँ, मैं ये सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। एंड इसके बाद जो न्यू है उन्होंने बात करी थी राइवलरी के बारे में, जो भी गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर लेना।